Hello everyone, welcome back to another vlog. Hope you guys are doing absolutely fine. So guys, आज के vlog में मैं आ रखा हूँ Alexandria और आज Alexandria में मैं 3 से 4 जगह का It's my friends. So guys, मैं कह रहा था कि आज मैं Alexandria आ रखा हूँ और Alexandria में आज मैं 3 से 4 जगह कवर करने वाला हूँ जो इधर famous हैं. और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सिटाडेल ऑफ कैथबे. और जिन जिनको नहीं पता, Alexandria इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के बिल्कुल पास, मतलब Alexandria के साइड में मेडिटेरियन सी फ्लो करती है और नाइल रिवर नहीं. इस बार हम मेडिटेरियन सी के पास हैं. तो यस, अभी हम चलते हैं सिटाडेल ऑफ कैथबे और अंदर जाके मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ और दिखाता हूँ. तो गाइस, वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इस व्लॉग में Alexandria की मोस्टली सारी फेमस जगह कवर होने वाली है. अभी मैं सिटाडेल ऑफ कैथबे के सामने हूँ और ये है मेरे पीछे. सो ये 15th सेंचुरी में बना था और इसकी हिस्ट्री यही है कि ये Alexandria के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बन रखा है और यहाँ पे 15th सेंचुरी में पहले इधर आर्मी की ट्रेनिंग होती थी और पीछे ही इधर मेडिटेरियन सी के लिए रास्ता निकलता है. सो क्या कहा जाता है कि इधर एक टनल भी है जो Alexandria सीधा इधर से ही होके मेडिटेरियन सी को निकलती है, जो 15th सेंचुरी में आर्मी से ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड है, जैसे इन एमरजेंसी केसेस में निकलना होता है. तो ये इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है और अब इसके अंदर चलते हैं और आपको अंदर से मैं इसे दिखाता हूँ कि कैसा है. ये है इधर एक नेचुरल एयर कंडीशनर और अभी मैं थोड़ा उधर की साइड जाता हूँ और आप देखना कि कितना तेज़ है, ये कितनी तेज़ हवा. सो आप देख सकते हो कि फ्लो कितना ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ विंड. मैं हूँ सेकंड फ्लोर पे और एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी देख सकते हो जो ऐसे विंडो टाइप हैं ये पूरे ऐसे फ्लोर पे बन रखी हैं. इसका ये रीज़न है कि जब सोल्जर्स वगैरह इधर स्टे करते थे तो इधर से वो देख पाते थे कि कोई एनिमी वगैरह है या नहीं और यू नो गन्स वगैरह रख के शूटिंग होती थी इधर. तो यस, इसका ये रीज़न है और ये पूरा ऐसे गोल घूमेंगे तो सारी तरफ चारों तरफ ये है. और अब देखते हैं, थर्ड फ्लोर पर चलते हैं और ऊपर क्या है. ये सेकंड फ्लोर और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, इधर भी वही हिसाब था कि विंडो थोड़ी थोड़ी गन्स वगैरह के लिए. तो अब चलते हैं ऊपर और ये टनल्स वगैरह उधर चलते हैं. जो मैं रूम में खड़ा हूँ ये है जनरल का रूम, मतलब कि जो आप देख सकते हो एक जगह इधर से जनरल ऊपर खड़ के जो सामने ट्रेनिंग वगैरह होती थी वो देखते थे. नहीं नहीं नहीं. सो ये इजिप्ट का ही हमारा एक दोस्त है जो सामने हंस रहा था. सो जैसे मैं बताया था कि इधर से जनरल इधर खड़ के जो सामने ट्रेनिंग वगैरह होती है सोल्जर्स की वो सब देखते थे कि क्या क्या सब चल रहा है. तो यस, अब टनल्स की ओर बढ़ते हैं. We'll be right back.
गाइस सिटाडेल से अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सारी अलेक्जेंड्रिया सिटी दिखती है, आप देख सकते हो सामने अलेक्जेंड्रिया सिटी, और क्लाउड्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। सो यस, अब हम इधर सिटाडेल तो पूरा कवर कर लिया है। सो यस, जैसे मैं बता रहा था सिटाडेल तो पूरा कवर कर लिया है, तो अब जाएंगे लंच करने और उसके बाद जाएंगे लाइब्रेरी, जो कि नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं है, मैं उसका नाम आपको आगे बताऊंगा क्या है, और वो हद से ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी है और वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है अलेक्जेंड्रिया की। सो लेट्स गो। सो गाइस, राइट नाउ आई एम इनसाइड द लाइब्रेरी, और मैं धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता ही होगा लाइब्रेरी में तेज नहीं बोल सकते। और अभी पूरे लाइब्रेरी का टूर हुआ है गाइड से, और मैंने वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग थे एक ग्रुप में, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। बट यार, थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है कि लाइब्रेरी कैसी है। इधर लाइब्रेरी में म्यूज़ियम भी है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है वर्ल्ड की, और टोटल इधर 11 फ्लोर हैं, और हर एक फ्लोर में अलग अलग सेक्शंस हैं। सो गाइस, राइट नाउ मैं हूँ स्टैनले ब्रिज के ऊपर। लाइब्रेरी से आने के बाद हम इधर आ गए थे, और लाइब्रेरी में जो भी अगर कोई वीडियो देख रहा है जाना प्रेफर करे कभी भी, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टाइमिंग्स 10 से लेके 5 बजे तक हैं। हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए म्यूज़ियम वगैरह अंदर से नहीं देख पाए, वैसे उधर शूट भी नहीं कर सकते थे। तो यस, पर अब मैं इधर आया हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, जैकेट मेरी कार में रह गई है, और अब चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा है ये ब्रिज। बहुत ही ज़्यादा शोर भी है इधर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो इधर और इंडिया में कॉमन होती है बहुत सारी जगहों पे। सो गाइस, ये है वो चीज़, यहाँ पे लवर्स ने अपने नाम वगैरह लिखे हैं जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इस हार्ट की वजह से, और ये सारी जगहों पे होता है, इधर भी है, और जो उधर भी पिलर्स हैं उधर भी ये सब ही है। सो कुछ कुछ चीज़ें जैसे बताया सेम होती है। Open up your dream. We were ordering some treats. So guys, आप देख सकते हो मेरे पीछे एक बंदे ने फैल्कन पाल रखे। Say hi to the camera. Say hi. Oh, that's high. He don't know how to say hi. Hi. How are you? Shakar. So yes, ये फैल्कन पाल रखे हैं, और फोटो कराने के लिए ये 20 पाउंड लेते हैं, और एक पाउंड इंडियन रुपीस का होता है, अभी रिसेंटली चले 15.4। यहाँ पे लोग फिशिंग तक कर रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। छोटा सा बच्चा, और इसने फिश तो नहीं पकड़ी है, पता नहीं क्या पकड़ा है। ये देखो, व्हाट्स दिस, फिशिंग, कूल। एंड गाइस, ये है यहाँ का स्ट्रीट फूड, जैसे कि बीन्स, छोले,
एंड ये नहीं मुझे पता क्या है, ये काइंड ऑफ अ कॉर्न लग रहा है, मैंने टेस्ट तो किया है, और इसका एक छिलका निकाल के खाना पड़ता है, और एक और है इधर, और यहाँ पे ये स्पाइसी वाला है। सो यस, इधर का स्ट्रीट फूड थोड़ा अटपटा सा है। सो इस लास्ट क्लिप के बाद अभी 2-3 घंटे बाद में शूट कर रहा हूँ, और अभी मैं हूँ अलेक्जेंड्रिया की मार्केट में, क्योंकि अभी मैं निकल रहा हूँ एक और सिटी के लिए जिसका व्लॉग आने वाला है अगला। इधर मैं जा रहा हूँ सीवा, ये मैंने अलग से प्लान किया है, मैं 3 दिन के लिए सीवा जाऊँगा जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। और इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग जो कि बहुत स्पेशल होने वाला है, सीवा में जाने वाला हूँ, उसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।